सबका स्वागत है स्टार एपिक्स न्यूज़ पर, और साथ ही साथ बुट्टी बोरी के पावन भूमि पर स्वागत है हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल इन दिनों सेंसेशन है। हार्दिक पटेल युवाओं की नई उम्मीद है। हार्दिक पटेल एक चेंज मेकर है। उनको कितने सारे टाइटल्स हम चाहें तो दे सकते हैं। स्टार एपिक्स न्यूज़ का यह सौभाग्य है कि हार्दिक पटेल से सीधे बात करने का हमें मौका मिल रहा है। हार्दिक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, हार्दिक पटेल चाहता क्या है? जो भी लोग लड़ाई लड़ते हैं, चाहे आंदोलन करते हैं, तो उसको उसका अधिकार मिल जाए। चाहते तो हम बहुत कुछ है। अगर कोई एमपी होगा तो वो कहेगा कि मुझे मिनिस्टर बनना है, कोई एमएलए होगा तो वो चाहता है कि मुझे एमपी बनना है। लेकिन हमारी बात तो मुक्ति अलग है, क्योंकि ना हम एमपी है, ना एमएलए है, ना किसी पार्टी के सदस्य है। हमें तो बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ चाहते हैं हम तो। हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर किसी के पास ध्येय और नीति और लक्ष्य ना, तो वो काफ़ी अच्छा काम नहीं कर सकते। नागपुर से एयरपोर्ट से निकले हम, तो हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे दोस्त हमारे, उनका लक्ष्य है कि शाम तक अकोला पहुंचना है। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो अकोला नहीं पहुँचेगा, तो शाम की सभा कैसे हो सकती है? हार्दिक जी, पिछले जो गुजरात के इलेक्शंस थे, उसमें आप, अल्पेश जी, जिग्नेश जी और ये तीन लोगों ने इतना बड़ा डेंट लगाया कि अब क्या हुआ कि खास करके ये जो युवा है यहाँ के, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, केवल गुजरात में नहीं परंतु पूरे पैन इंडियन सोसाइटी में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? तो ट्रेंड तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ दिखावा है ये सब चीज़। हम तीन लोगों ने सब कुछ कर दिया है। अच्छा, अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ता है, एमएलए बन जाता है, अपनी एक विधानसभा क्षेत्र तक वो सीमित नहीं होता है। अच्छा, जिग्नेश मेवाड़ी भी चुनाव लड़ता है एक जगह, वहाँ पर वो सीमित हो जाता है। तो बचा ही क्या बाकी? अगर वो चुनाव नहीं लड़ते, बस भाजपा घर पर लड़ती। आज खुद की सीट पर चुनाव लड़कर वहाँ की सीट को जीतने के लिए बाकी की सीट पर वो छूट गए ना। अच्छा, अगर वहाँ पर बाकी की सीटों पर वो जाते तो 99 पर भाजपा नहीं होती, 65 पर भाजपा। तो ये एक बड़ी गलती शायद उनसे भी हुई हो, या फिर नए नए पॉलिटिकली एम्बिशन के लिए भी हो सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा युवा विधानसभा लोकसभा में बैठे, लोगों की बात रखें। वो तो भी यही बात रखेंगे, मुझे भरोसा है। अगर नहीं रखेंगे तो 2022 में जनता उनको नहीं स्वीकार करेगी। भाजपा कांग्रेस से सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी लीडर हो या विधायक हो, उसका काम है जनता की बात रखना, चाहे किसी ने वोट दिए हो ना दिए हो। तो वही काम अगर वो लोग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि जो आंदोलन की बात थी वो कहीं ना कहीं सही निकलेगी। आज आपने वक्त निकाल करके आप अकोला में आ रहे हैं और किसानों की आवाज़ के साथ आवाज़ और बेरोजगारों के साथ अब फिर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज उभर के सामने आ रहा है विदर्भ में, यूं कहिए कि पूरे भारत भर में, वो है युवाओं को नौकरी बिल्कुल नहीं है। और किसानों का जो जो त्रासदी है उस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखो, नौकरी नहीं है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं पकौड़े बेचना भी एक नौकरी है, तो हमें तो उनकी बात पर सहमत होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जब सत्ता का इतना घमंड चढ़ जाता है अपने सर पर, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उन पर समझ नहीं आता। अगर आप पकौड़े को ही रोजगार समझते हो तो 2014 में क्यों बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हम? देखो, किसान आज मैं विदर्भ में हूँ, मैं पेपर न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ कि विदर्भ और मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। जी, जो दुगनी आय होनी चाहिए किसान की, वो नहीं हो रही। मैंने पूछा यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती, तो बोले कॉटन कपास की, चावल की, गेहूँ की। मेरा ये मानना है कि अगर कॉटन बीटी कॉटन के अगर हम खेती करते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो मुख्य जो फसल के दाम होना चाहिए कॉटन का, वो है 1300, 1400 या 1500। करंटली हाल ही गुजरात में 800 से 900 रुपये मालूम नहीं यहाँ पर कितना है कॉटन का दाम। लेकिन जो मेहनत किसान करता है तो उसको सही दाम मिलने चाहिए। जी, चाहे वो किसी भी खेत की पैदाश हो, उसमें किसी भी जगह पर। लेकिन किसान
जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानता कोई उनको सही फसल के दाम देगा। रिक्शा यूनियन होता है तो रिक्शा का ड्राइवर जब रिक्शा चलाता है उसको पता चलता है कि गैस का दाम सिर्फ 0.25 पैसा बढ़ा है तो तुरंत ही पूरे प्रदेश के ऑटो ड्राइवर वहाँ पर हड़ताल पर उतर जाते हैं। अगर एक ऑटो ड्राइवर ये समझता है तो किसान को तो ये समझना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप 180 किलोमीटर नासिक से चलकर बम्बई जाते हो और वहाँ का सीएम जो नागपुर से बैठे बैठे एक हेडक्वार्टर से सब बातचीत चलती हो और वो कहता है कि 6 महीने के अंदर हम आपकी बात सुन लेंगे तो ये किसानों के साथ अपमान हुआ। जब तक किसान कुछ नहीं बोलता तो अन्नदाता है, जब किसान आंदोलन करता है तो सीएम खड़े होने से ये कहता है कि ये नक्सलवाद और माओवादी के टाइप है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का अपमान है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ तो बहुत सारे धर्मा पटेल जैसे लोग आत्महत्या और भी करते रहे। जब भी हार्दिक पटेल के बारे में बातचीत होती है तो लोगों की एक इमेजिनेशन है, हम लोगों की भी है कि एक फायर ब्रांड हार्दिक पटेल के अलावा कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हार्दिक पटेल को ये पॉलिटिक्स के अलावा क्या पसंद है? बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, हम तो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो भी करते खुलकर करते हैं और खुलकर बोल देते हैं, बाद में जनता को अगर पसंद आते हैं तो ठीक लीडर है, नहीं तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। देखो हम तो भगवान के सिवा किसी से डरते ना है, क्या बात, चाहे वो अमित शाह हो नरेंद्र मोदी हो हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऐसा काम करेंगे जो खुलकर करेंगे लेकिन किसी की तरह पक्का गुजराती हो पक्का हिंदुस्तानी हो, किसी की तरह ये नहीं बोलूँगा कि मैं फकीर हूँ और मैं अनाथ हूँ और राजनीति करूँगा, है परिवार भी है पूरे माँ बाप है अच्छी तरह से परिवार के साथ रहता हूँ, लड़ूंगा जरूरत पड़ेगी तो रोड से लेकर संसद तक पहुँचेंगे लेकिन अनाथ और फकीर कहकर राजनीति नहीं करूँगा। साथियों मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल क्या बोलते ना किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी आवाज़ उनकी जो ट्रू वॉइस है वही काफ़ी है युवाओं के लिए। स्टार एपिक्स न्यूज़ के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुट्टी बोरी के अलावा विदर्भ का पूरा युवा जो है आपकी तरफ बड़ी आशा की नज़रों से देख रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये सच बात है मैं जानता हूँ क्योंकि इन द हार्ट ऑफ हार्ट युवा लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं, आप है बहुत सारे नेता युवा उभर रहे हैं। कोई मुझे पूछता है कि हार्दिक भाई आप में ऐसी कौन सी बात है कि आप लड़ते हो, तो कहने का मतलब जो पूछता है वो बड़ा नपुंसक और कमजोर होता है, भाई तू दूसरों में मत देख कि तू कैसा आप कैसे ऐसे आगे बढ़, तू खुद बनने की तैयारी कर और तू कुछ कर। महाराष्ट्र के युवाओं से मेरी एक विनती है कि कॉलेज के कंपाउंड में बैठे बैठे बम्बई का वड़ा पाव खाते खाते कहते हैं यार हमारा देश कहाँ जाएगा, अगर तू वड़ा पाव खाना छोड़कर अपने अधिकार की बात करेगा 100% देश आगे जाएगा। हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब शेर अपने बच्चे को जन्म देती है, जब शेर नहीं तो अपने बच्चे को गुफा में रखकर वो शिकार के लिए निकल जाती है, और शेरनी का बच्चा अंदर बैठा होता है अगर गुफा के बाहर थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी तो शेरनी का बच्चा पीछे नहीं जाएगा, वो बाहर आकर देखेगा क्या है और बाद में एक त्राड़ निकालेगा एक आवाज़ निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं बच्चा जरूर हूँ लेकिन मैं एक तो शेरनी का बच्चा हूँ, मतलब मैं ही खुद शेर हूँ। राजा के घर अगर कोई भी बच्चा पैदा हो जाए उसके राजकुंवर ही कहा जाता है। साथियों हार्दिक पटेल के साथ बातचीत का सिलसिला शायद उम्र भर खत्म नहीं हो सकता, मैं हार्दिक पटेल को अपनी तरफ से बहुत सारी बधाइयां देता हूं और आने वाले राजनीतिक समीकरण या यूं कहिए सामाजिक समीकरण में एक बड़ा नाम हमारे सामने उभरेगा, और जैसे कि उन्होंने हमसे कहा है खास करके युवाओं को एक मैसेज उनका देना है कि अब हमको अपनी चौकट से बाहर निकल के लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हार्दिक जी आपने हमसे बातचीत की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।